एवरीवन, वेलकम टू वन मोर डे ऑफ 21 डे इंग्लिश लर्निंग कोर्स। आज का लेसन उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बिगिनर हैं और उनके लिए भी जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे कम फ्रेजेस। अब अगर आप बिगिनर हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि कम को कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो भी आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि आप ये फ्रेजेस यूज करें, ताकि आप अपने इंग्लिश को एक लेवल ऊपर ले जा सकें। एक बात और, मैं हमेशा लेसन के एंड में डिस्क्रिप्शन में क्विज डालती हूँ, और मैं देख रही हूँ 2 या 3 दिन से कोई विनर ही नहीं हो रहा है और उसमें सिर्फ 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहूंगी आप सब जाके वो क्विज अटेम्प्ट करें, विद इन 24 आवर्स तक ही वो क्विज वैलिड होगी, और देखें कि आपको कितना आता है और मैं भी देखूँ कि आपको कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। पर आगे बढ़ने से पहले ये रहे लास्ट क्लास के विनर्स। सो नंबर 1 इज कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज टूट कर निकल जाती है या किसी और चीज से डिटैच हो जाती है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एज आई ट्राइड टू ड्रैग द सूटकेस इट्स हैंडल केम ऑफ ऑल ऑफ अ सडन, यानी उसका हैंडल निकल गया। अब कम ऑफ को मैंने केम ऑफ यहाँ इसलिए किया क्योंकि यहाँ मैं पास्ट टेंस में सेंटेंस बना रही हूँ। कम ऑफ का एक और मतलब होता है, कम ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज सक्सेसफुल होती है। We really worked hard on this project and I'm really happy that it came off very well. Another one is come apart. Come apart का मतलब होता है किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। Example sentence, the bread was so soft that it almost came apart in my hand. Come apart का एक और मीनिंग होता है, जब कोई बहुत इमोशनल हो जाता है तब भी हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं he came apart on his retirement day. Another one is come along. Come along का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना। I'm going to the mall. Would you like to come along? मैं मॉल जा रहा हूँ, क्या आप साथ में आना चाहोगे? We are planning a trip to Goa. Why don't you come along? हम गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप साथ में क्यों नहीं चलते? Come down. कम डाउन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो फिजिकली नीचे आना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऊपर छत पर है और आप कहेंगे कैन यू प्लीज कम डाउन। एक होता है जब कोई प्राइस या कोई रेट नीचे आता है, किसी चीज का प्राइस नीचे आता है तब भी हम कम डाउन कहते हैं। और एक और मीनिंग इसका ये होता है कि जब कोई प्रथा चली आ रही है और वो किसी और जनरेशन पे पास हुई है तब भी आप कम डाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, द कार प्राइस केम डाउन लास्ट मंथ, दिस फैमिली ट्रेडिशन केम डाउन फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स। अनदर वन, कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है जब कोई नए प्लान या नए आइडिया सजेस्ट करता है। अचानक से क्लास चल रही है, मीटिंग चल रही है और किसी ने बहुत ही वंडरफुल सा आइडिया दिया, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, I try to come up with new ideas in my class every day. He came up with wonderful plan of organizing theme party. Come over. Come over means physical movement from one place to another. यानि जब कोई आपके घर आता है या आप उसे बोलते हो तब आप इस phrase का use कर सकते हो। तो आप कह सकते हो Why don't you come over to my place someday? यानि आप कभी मेरे घर क्यों नहीं आते? Come over का एक meaning और होता है, कोई चीज़ जब आपको effect करती है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं Yesterday I got angry. I don't know what came over me. Come across. Come across का मीनिंग होता है जब आप एक्सीडेंटली या बाय चांस कोई चीज देखते हो रास्ते में, यानी आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो या कहीं जा रहे हो और आपको बाय चांस कोई चीज दिखती है। एग्जाम्पल सेंटेंस, While going to temple, I came across a big flower shop, so I bought some flowers. Another example, When I was traveling to Mumbai by bus, I came across a beautiful valley. ये सारे phrases जो आज हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इन्हें conversation में use करोगे तो definitely आप काफी अच्छा sound भी करोगे और ये उस तरह से sound करेगा जैसे native speakers बात करते हैं। तो इन्हें एक बार फिर से आप revise जरूर करना और sentence बनाने की कोशिश करना अपने खुद के examples। आगे बढ़ते हैं, come true. Come true का मतलब होता है जब कोई बात सच हो जाती है, किसी की कही हुई। तो आप कह सकते हो Did her plan come true? Whatever he said came true. यानी उसने जो भी कहा था वो सच हो गया। Come to light. Come to light का मीनिंग होता है कोई चीज जब जानकारी में आती है।
Example sentence. The scandal came to light when media got involved in it. The hidden fact about the case came to light when they hired new lawyer. Last one is come through. Come through का मतलब होता है किसी चीज से survive कर जाना. किसी एक्सीडेंट या किसी एडवर्स परिस्थिति या किसी भी ऐसी चीज से जो बड़ी ट्रेजेडिक हो. थैंक गॉड ही केम थ्रू कोविड, यानी उनकी कोविड में सरवाइव कर गया. ऑल्दो इट वॉज मेजर ऑपरेशन, आई केम थ्रू इट वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अगर मुझे आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वहां पर आपको नए नए अपडेट्स दे सकूं. जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं.